स्वागत है होममेड फूड्स पर। आज की हमारी रेसिपी है कॉलीफ्लावर विद कैप्सिकम करी। ये बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनने वाली हमारी रेसिपी है, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा और देखने के बाद ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलीफ्लावर को उबाल लेंगे। हमने सारे कॉलीफ्लावर डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे वाटर। यहाँ हम पानी कॉलीफ्लावर डूबने तक रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, यानी कि 1 टीस्पून मैंने लिया है। मिक्स कर लें और ढककर इसको हम 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर बनाएंगे। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम फ्लेम को लो कर देखेंगे, हमारी कॉलीफ्लावर लगभग बन गई है या गल गई है। और यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर इसको अलग से एक जगह रख देंगे। तो दूसरी तरफ लेंगे हम पैन, उसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल को हम गरम करेंगे, गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज और ग्रीन चिलीज के बाद हम इसमें डालेंगे अनियन, जो कि हमने इसको फाइनली चॉप कर लिया है, स्लाइस कर लिया है सॉरी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई किया है और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से इसको अनियंस में मिक्स कर लें। यहाँ पर मीडियम फ्लेम है और अब इसमें डालेंगे हम कैप्सिकम। कैप्सिकम को अच्छे से कुछ मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे इसके अंदर। और अब इसमें डालेंगे हम कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और आएगा फिर जीरा पाउडर। इस सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम पे रखें ताकि आपके मसाले जले नहीं। और अब हम इसको 5 मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जी लगभग थोड़ा सा बन गई है, मसाले पक गए अच्छे से। और अब आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे हम जो बॉयल किया था कॉलीफ्लावर। फिर उसके बाद डालेंगे स्प्रिंग अनियंस। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि पूरा मसाला हमारी गोभी को अच्छे से यानी मिक्स्ड हो जाए। तो लीजिए यहाँ पर हम फिर लेंगे टोमेटो केचप, भी ऑप्शनल है थोड़ा सा खटमिट टेस्ट के लिए। इसकी जगह आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स कर और अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, हमने से 10 मिनट तक हमने हर 2 मिनट से चेक भी किया था। तो यहाँ पर आएंगा कोरिएंडर लीव्स, फिर आप हम इसको सर्व करेंगे।